बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी अपनी होस्ट आपके अपने चैनल ख्वातीन कुकिंग चैनल यूट्यूब चैनल के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आपको ब्रेड नज़र आ रही होगी तो आपको पता लग गया होगा मैं ब्रेड से कोई यम्मी सी रेसिपी बनाने लगी हूँ। हाँ जी, मैं आज ब्रेड से एक बहुत ही स्वीट्स ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाने लगी हूँ जो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। इसका टेस्ट बिल्कुल शाही टुकड़े की तरह आता है और लुक भी थोड़ी थोड़ी वैसे ही आती है। तो स्टार्ट करते हैं बग़ैर टाइम ज़ाया किए। तो ये कप मैंने लिया है, ये मैंने एक पानी का रखा है चाशनी बनाने के लिए, और इसमें आधा कप चीनी का जाएगा। और चार स्लाइस मैंने लिए हैं ब्रेड के, इनको हम छोटे छोटे पीसीज में काट लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चाशनी को चूल्हे पे रखती हूँ। पानी को चूल्हे पे रखा है तो इसमें मैंने दो इलायची डाल दी है। अब हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। हल्का सा मैं इसमें फूड कलर ऐड कर दूँगी, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करना चाहते तो बेशक ना करें। जब तक चाशनी रेडी होती है तो साथ हम अपने स्लाइस को काट लेंगे। ये मैं एक स्लाइस से छः बनाऊंगी। जी ये देखिए, इसी तरीके से हम अपनी सारी ब्रेड को कट कर लेंगे। जी तो ये हमने काट लिया। अब साथ हम एक कढ़ाई को चूल्हे पे रखेंगे, उसमें ऑयल डाल देंगे। चाशनी हमारी तकरीबन रेडी है। इसको हमने एक तार या दो तार वाली नहीं बनाना, बस हमारी चीनी इसमें घुल जाए और हल्का सा उबाल आ जाए तो फिर हम चूल्हे को बंद कर देंगे। और यहाँ हमारा गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें स्लाइस डाल देंगे, जितने कढ़ाई में आसानी से आ जाए। इनको हमने लाइट ब्राउन से गोल्डन ब्राउन तक करना है, जो कलर आपको पसंद हो उसी हिसाब से साइड चेंज करते रहेंगे हम इसकी। पहले आग हाई होगी तो अब हम आग को नॉर्मल कर लेंगे। जी तो अब ये जो कलर मुझे चाहिए था वो हो गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सारे को फ्राई करेंगे। चाशनी हमारी जो है वो फुल गर्म नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। उधर से निकाल के हम इनको चाशनी में डाल देंगे। बस एक मिनट के बाद ही हम इनको निकाल लेंगे। जी ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आई है। इसी तरीके से हम अपने बाकी भी फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन एक मिनट तक हम इसको चाशनी में रहने देंगे। तो अब हम इनको निकालेंगे, मैं अब सर्व करके आपको दिखाती हूँ। जी तो ये देखें मैंने इनको सर्व कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं हल्की फुल्की सी चाशनी डाल दूँगी, ये भी अगर आप डालना चाहो तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें माशाल्लाह से कितने नरम बने हैं, बहुत ही जूसी हैं। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएंगे। यमी सी स्वीट सी आसान सी और बहुत जल्दी बन जाने वाली ये स्वीट रेसिपी कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मेरी बाकी रेसिपी की तरह ये भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो जो लोग चैनल पे नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नई अच्छी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।